डॉक्टर बीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ बीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको हिक्का का एक जोक बतला रहा हूँ। हिक्का के मतलब हिचकी, जो बार बार हिचकता है उसको हिक्का कहा जाता है आयुर्वेद में, और उसी का एक जोक बतला रहा हूँ। और यह जोक जो है, हिक्का जो है सभी प्रकार के आयुर्वेद के अनुसार से यह जोक जो है से लाभकारी है, यानी फायदा करता है। और हिक्का से जो पीड़ित हैं और इसका लाभ अवश्य उठाए। और हिक्का का आपका जो जोक बतलाने जा रहा हूँ बहुत साधारण जोक है, मगर यह जो है रामबाण की तरह फायदा करता है। तो बड़ी इलायची को ले लीजिए, पांच नग यानी पांच वो ले लीजिए, और उसको जो है थोड़ा सा कूट दीजिए। कूटने के बाद उसको जल में, आपको 400 ग्राम जल ले लीजिए और जल में उसको उबालिए। मंद आंच पर उसको उबाले, तेज आग अग्नि पर ना उबाले। मंद आंच पर उबालने के बाद जब तीन हिस्सा जल उड़ जाए, एक हिस्सा बचे जल, तो उसको उतार कर और उसको छान ले। छानने के बाद हिक्का के रोई को घूट घूट आप उसको पिलावें, और रोगी जो है पीने के बाद वह जो है तुरंत जो है से रिलीफ महसूस करने लगता है। उसका हिचकी जो है समाप्त हो जाता है, और हिचकी का रोग बहुत भयंकर रोग है, और इसका हिचकी का आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे औषधियाँ हैं। और आपको एक उसमें से बहुत अच्छा औषधि मैं आपको बतला रहा हूँ, एक जोक बतला रहा हूँ, और इसका जो है आप फायदा उठाने का प्रयास करें। इसमें जो है आपको कोई विशेष खर्च नहीं हो रहा है पैसा का। पांच गो बड़ी इलायची को ले लेना है और उसको पानी में उबालकर उसको घूट घूट पीना है। उससे जो है हिचकियाँ कितनों भी भयंकर हो, इसके पीने के बाद जो है हिचकी जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर वह पुनः हिचकी लौट कर नहीं आता है, और रोगी जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। हिचकी से रोगी जो है बेचैन हो जाता है, वह बार बार हिचकी आता है, बोलता है और हिचकी आता है। इसलिए ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बात जो है वह शांत हो जाता है, और ऊर्ध्वगामी बात को सदा के लिए नाश कर देता है। और ऊर्ध्वगामी के चलते ही वायु जो है ऊपर की ओर निकलता है तो हिचकी आता है। और हिचकी के रोगी ज़्यादा जब भूखा है और जब भोजन करता है पीता चीज लगता है तो हिचकी आता है। और हिचकी रोगी से बहुत से लोग पीड़ित हैं। इसका फ़ायदा उठाए, और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और वीडियो का लाइक ज़रूर करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।